ये दोस्तों ये पानी खाली करने के लिए, और अभी इसको मतलब ढक के रखते हैं, ऐसा नहीं कि पानी फूल इसमें भरा रहता है तब भी खाली रखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो इसको सभी को इस तरह से ढक देते हैं उस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बहुत समय हो चुका है और मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों कोई कारण नहीं था, मैंने ऐसे ही नहीं बनाया क्योंकि यूट्यूब पर अभी वीडियो ज़्यादा चलती नहीं है, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया और अभी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे हम क्या काम कर रहे हैं, और अभी यहाँ बारिश कितनी हुई है वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, और अभी जो मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो मेरा पूरा अंत तक देखेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा, और हमारे लिए तो महल से कम भी नहीं है, ये है घर, और अभी इसका कंट्रेक्टर का काम चल रहा है। ये दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर काम चल रहा है, और अभी ठीक करने वाले हैं इसको। और ये रात में इसमें पानी घुस गया था, जब बारिश इधर से आया ना पानी तो सीधा इधर, और दूसरी दिशा से आता तो नहीं घुसता था, इसलिए दोस्तों अभी इसको ठीक करेंगे। और वो आ रही हमारी मम्मा। तो चलिए दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं कुछ लेने के लिए। तो दोस्तों ये हमारी मम्मी आ रही है और मेरे छोटे भाई का लड़का है विकास। ओए टक्की टक्की। तो दोस्तों इसका मुंह देखो जैसे बिल्कुल बब्बर शेर की तरह है, ये बब्बर शेर है। चलो तो अभी हम कुछ लेने के लिए जा रहे हैं आगे, लकड़ी और वो भी कपास की। तो दोस्तों वो बांधने के लिए, जलाने के लिए नहीं। और यहाँ पे अब देखिए ये है गीली मिट्टी, उसके बाद दोस्तों ये कपास है, अब देख सकते हैं ये मेरा कपास है, और ये दोस्तों इसमें एक बार खाद डाल दिया था यूरिया। दोस्तों यूरिया का इसमें एक बार डोज लगा दिया है। और ये है वायर फेंसिंग, मेरे खेत वाले की नहीं है, मतलब मैं रहता हूँ इस सेट की नहीं, पड़ोस वाले की है ना। तो दोस्तों एक दीवार ये भी है। तो दोस्तों अभी घास कैसे हरी भरी है, और ये एलपीएस आ रहा है, क्यों रे मदद के लिए आया, आधे तो गिर गए। ये दोस्तों यही लकड़ी लेने के लिए मैं भी आ रहा था, और अभी जा जा के ऊपर उठा दो। तो कुछ यहाँ पे इतनी सारी बारिश हुई थी दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूँ रात में आई थी बारिश आज, और ये पानी है रहा। ये दोस्तों पूरा गीला गीला, मतलब अभी कुछ काम खेत में नहीं होने वाला है, आज पूरा दिन नहीं होगा। और अभी यहाँ से हम ये लकड़ी लेंगे। तो ये रहा एक नाला छोटा सा, ये देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ नाला है, और इधर वहाँ तक जा रहा है, और अभी बहुत दूर ये आपको दिख रहा होगा वो सब उधर डैम है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट में कुछ लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों अभी भी हम वीडियो कंटिन्यू जारी रखेंगे, आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं जितना उठा ना सकता था इतना अभी मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलेंगे इसको लेकर। तो फाइनली हमारी लकड़ी आ चुकी है, और अभी हम इसको यहाँ बांधने का काम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारे दीवार कंप्लीट हो चुके हैं, और ये यहाँ से लेकर इधर तक काम होगा, और अंदर का दिखाते हैं। बच्चे बहुत शोर गुल कर रहे, देखिए। तो ये दोस्तों अंदर से हमारी दीवार इस तरह से बनी है ना दोस्तों, कैसा लग रहा है। अब सीधा पानी अंदर नहीं गया, और उसके उस पर हम त्रिफल बांध देंगे ताकि पानी अंदर ना घुसे। तो अभी सूर्य अभी इसको भी अच्छे से बांध लेते हैं। तो गाइस अभी हमारे ये दीवार पूरी बन चुकी है, और अब देखिए इस तरह से हमने इसको बांधा, अभी किस तरह से बढ़िया से बांध लिया गया है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों ये काम अभी कंप्लीट हो गया है दीवार का, और अभी हम ना दोस्तों बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। तो ये रहा बालू, और यहाँ है बाइक। अभी हमारी बाइक को देसी जुगाड़, हमने यहाँ पे एक रस्सी बांधी है जिसकी सहायता से यहाँ जो भी मिट्टी आती है गीली वो इस पंखे में नहीं रुक के
साफ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने इसको बांध दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आइडिया, अभी हम चलेंगे। भाई दोस्तों अभी हम है आराम कर रहे हैं और बच्चों को हमने स्कूल छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर दूसरा दोबारा काम था वो कर लिया, और उसके बाद अब थोड़ी देर हम दोपहर का 1 बजा है, तो अभी हम थोड़ा आराम कर लेंगे। आज क्योंकि बारिश हुई तो पूरा दिन भर खेत में तो कोई काम होगा नहीं, इसलिए पंखा वंखा चला के मस्त आराम कर रहे हैं। तो ये फैन देखिए दोस्त, ये है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी 2 बजे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर दूसरा चौक करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली 2 बज चुके हैं और अभी हम उठ गए हैं, अभी मुँह भी धो लिया और अभी हम बनाएंगे चाय। तो दोस्तों अभी चाय का काम शुरू भी कर दिया है, मैं ही बना रहा हूँ उसे। तो ये रही आग और ये रही कटोरी, और अभी स्टाइल देखना अपना चाय। फ्रेंड्स सपरी दूध वाला आपने देखा ना, तो ऐसे उड़ेला। चाय पक के कंप्लीट रेडी हो गई है और अभी हम इसका मजा लेंगे, पियेंगे इसको। तो फ्रेंड्स अभी पूरा दिन ख़त्म हो गया और अभी शाम के 7 बज गए हैं। तो दोस्तों अभी जो है बारिश तो पूरी गर्मी गर्मी हो रही है, और मैं आपको बादल सब दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऐसे सभी आसमान में घुंघरा सा हो रहा है। एंड दोस्तों ये हमारी मूंगफली आप देख सकते हैं, ऐसी ही कुछ है, बहुत खास नहीं है और बहुत मीडियम साइज़ की है, अच्छी भी नहीं और बुरी भी नहीं, ऐसी है दोस्तों फसल हमारी। इनके बाद दोस्तों अभी जो है हमारी एक छोटी सी बच्ची, वो है जो है नाल है उसमें अभी घुस गई, मतलब उसमें उतर गई है। ये देखिए ये दोस्तों, ये पानी खाली करने के लिए, और अभी इसको मतलब ढक के रखते हैं, ऐसा नहीं कि पानी फूल इसमें भरा रहता है तब भी खाली रखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो इसको सभी को इस तरह से ढक देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है पड़ोस वाले का खेत, और हाँ दोस्तों कुछ ऐसा ही है। कैसा लगा आज का हमारा ये टॉपिक, और अंदर का भी हम घर का अंदर का भी दिखाते हैं आपको। ये हमारी बाइक खड़ी है दोस्तों, इसके बाद बिजली भी थोड़ी सी है, और बच्चे वगैरह सब खाने के लिए माँ के पास गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा है छोटू, ये देखिए खेल रहा है, और चड्डी भी नहीं पहनी इसको इसने। इसका ये भी नारियल का पेड़ निकल गई सी, अंदर से पानी खाली हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियो देखते रहेगा, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।